सास का श्राद्ध। नंदिनी और दिलीप की शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सास की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ससुराल में आई नई बहू एकदम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर घबरा जाती है। मुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी रिश्तेदार को ठीक से जानती तक नहीं, अगर कहीं कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, तुम बेमतलब इतना टेंशन ले रहे हो। घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। जैसा भी काम करो, कोई जज करने वाला नहीं है। रही बात रिश्तेदारों की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। पति का सपोर्ट देखकर नंदिनी के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह एक साल बीत जाता है और श्राद्ध के दिन शुरू होते हैं। नंदिनी के पास सास की बहन का फोन आता है। बहू, पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए। जी मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? मौसी जी, मैं कल ना पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, बात करके सब अच्छे से तैयारी करना हाँ। किसी भी रीति रिवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिनी मौसी सास की बात पर तो हाँ बोलकर फोन काट देती है, लेकिन फिर रीति रिवाज और श्राद्ध के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से दोबारा टेंशन में आ जाती है। शाम को दिलीप के घर वापस आते ही उस पर अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। आज मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला। हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम पंडित जी से बात कराओ, बाकी फिर वैसे ही तैयारी कर लेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मौसी जी ने साथ में रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर की किसी भी रिवाज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, इतना सोचने की जगह जैसा पंडित जी बोले वैसा कर लो, सब सही होगा। अगले दिन दिलीप के ऑफिस जाते ही नंदिनी घर के बाकी सब काम छोड़ पंडित जी के पास जाती है, जो उसे श्राद्ध करने की तारीख के साथ क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। घर वापस आते ही नंदिनी मौसी सास को फोन करती है। मौसी जी, 2 दिन बाद मम्मी का श्राद्ध रखा है। ठीक है, आ जाऊंगी। और पहला श्राद्ध है, इसलिए पूरे परिवार को बता देना, सब साथ में पूजा करेंगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मौसी के कहे मुताबिक नंदिनी सबको इन्फॉर्म कर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता है और देखते ही देखते सबके बीच ग्रह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे नंदिनी और दिलीप की परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है। तुमने तो बोला था कि परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ काम कैसे निपट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं और परिवार तो यहाँ आ चुका है, इसलिए जो भी है अब इनके वापस जाने तक तो हमें सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो मैं हूँ ना। तुम ना बस परिवार संभालो, काम मैं देख लेती हूँ। दिलीप परिवार वालों की गुत्थम गुत्थी और मामला संभालते हुए सबको शांत करता है, जिसके बाद सब पूजा करने बैठते हैं। बोलो भला, श्राद्ध वाले दिन इंसान की पसंद का खाना बनता है और भाभी को खीर जान से ज्यादा पसंद थी, पर बहू तुमने तो वो बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती, कुछ खराब हो जाता तो बहुत नुकसान होता, इसलिए नहीं बनाई, लेकिन बाजार से मंगवाई है, कुछ देर में आ जाएगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं, जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा नुकसान की चिंता है, जो खीर तक बाजार से मंगवाती है। मौसी जी, मम्मी की खुशी को याद रखते हुए नंदिनी ने खीर का ऑर्डर उनकी पसंदीदा मिठाई की दुकान पर दिया है। अरे, बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? माफ करना मौसी जी, लेकिन आज पूरे परिवार का खाना बना है और ऐसे में प्रैक्टिस के चलते मैं इतने सारे लोगों के लिए खीर बनाती और अगर जरा भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत खाने का नुकसान होता ना, जो अच्छा नहीं होता। नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए मौसी चुप हो जाती है, जिसके बाद सब पूजा करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी शांति नहीं रहती। वो कभी खाने में कमी निकालना तो कभी किसी चीज की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये लोग माँ के श्राद्ध की पूजा के लिए आए हैं, या बस ये गलत है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं, ये चाहिए वो अच्छा नहीं, ये सब बोलने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है या इनकी पार्टी?
जिस हिसाब से कमियां निकाल कर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं ना, इनकी तो पार्टी ही लग रही है। बस भगवान करे अब और कोई ड्रामा ना हो। दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ मेहमानों को खाना परोसते रहते हैं। कुछ देर बाद ही मौसी सास का चिल्लाना शुरू हो जाता है। हे भगवान, सब इधर आओ, ये देखो दीदी की तस्वीर के आगे रखी पूजा की पूड़ी पर चींटियां घूम रही हैं। बहू, तूने दीदी की मनपसंद खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सबके मन में इस तरह के अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, पहले तेरी पत्नी ने घर आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब उनकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही। इसी के साथ एक एक कर घर में सब अपनी राय देने लगते हैं, जो कुछ ही देर में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, जिसमें सबकी बात और इल्जाम घूम फिर कर नंदिनी या दिलीप पर ही आते हैं। बस करो, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हो? खुद तो एक दिन भी लड़ाई किए या किसी पर इल्जाम लगाए बिना रह नहीं सकते, तो फिर किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं करते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मम्मी नंदिनी से ही गुस्सा है, क्योंकि अभी आप लोगों की हरकतें भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। दिलीप को पहली बार इतने गुस्से में और चिल्लाते देख मौसी के साथ पूरा परिवार चुप हो जाता है। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मम्मी के लिए मेरे या दिलीप के प्यार पर उंगली मत उठाइए। माफ करना, पर यकीन नहीं होता, एक ही परिवार में लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, सबको दूसरों में कमियां निकालनी है। क्यों? रही बात चींटियों की, तो बस वो तो पूड़ी पर रखी चीनी ले जा रही है, आखिर उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है। नंदिनी और दिलीप की बातें सुन परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती ना मानने का गुरूर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकता है, जिसके चलते धीरे धीरे सब चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगते हैं। अरे सारे कहाँ उठकर चल दिए बेशर्मो, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि एक सॉरी बोल दो? हमने बहू को न जाने कितना परेशान किया, फिर भी उसने पलट कर किसी को कुछ नहीं बोला। नंदिनी हमें माफ करना, इस साल तो हमारी वजह से सब खराब हो गया, पर वादा करती हूँ अगले साल सब इस परिवार का नया रूप देखेंगे। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अगले साल सबको अपने हाथ की बनाई बढ़िया खीर खिलाऊंगी।